विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा की शुरुआत मई महीने से शुरू होने जा रही है। यात्रा के लिए सरकार तैयारी शुरू कर चुकी है। वहीं इस संभावना जताई जा रही है कि इस बार चारधाम में दर्शन करने वाले यात्रियों की संख्या पिछले साल के यात्रियों के रिकॉर्ड को भी तोड़ देगी। आपको बता दें कि पिछले साल लगभग 50 लाख श्रद्धालु चारधाम यात्रा दर्शन के लिए पहुंचे थे और चारधाम यात्रा में यात्रियों को यात्रा करने में दिक्कतों का सामना न करना पड़े इसके लिए परिवहन विभाग भी कमर कस चुका है। आरटीओ अधिकारी सुनील शर्मा ने बताया कि यात्रा के संबंध में लगातार उच्च स्तरीय मीटिंग की जा रही है। यात्रियों को कोई असुविधा ना हो इसके लिए परिवहन विभाग पूरी तरीके से तैयार है। इसके साथ ही ग्रीन कार्ड ट्रिप कार्ड सर्विसेज हैं, उसकी बैक हैंड प्रिपरेशन पूरी कर ली गई है ताकि सर्वर से डेटा तुरंत मिल सके और लोगों के ग्रीन कार्ड या ट्रिप कार्ड आसानी से बन जाए। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, ऐसा है कि चारधाम यात्रा 2024 के संबंध में सीएस महोदया ने भी मीटिंग ली है और उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया हुआ है कि इस बार की मीटिंग में, इस बार की यात्रा में किसी भी प्रकार से यात्रियों को कोई असुविधा ना हो उसके लिए हर विभाग अपनी योजना बना ले और उस पर कार्य शुरू कर दे। इसी के अंतर्गत परिवहन विभाग द्वारा ये योजना बना ली गई है कि जो भी ऑनलाइन सर्विसेज जैसे ग्रीन कार्ड की सर्विसेज या ट्रिप कार्ड की सर्विसेज है उसकी बैक एंड प्रिपरेशन कर ली जाए ताकि सर्वर से डाटा तुरंत फैच हो सके और आदमियों के जो भी आने वाले हमारे आगंतुक हैं उनके जो ग्रीन कार्ड है और ट्रिप कार्ड है आसानी से बन सके।